हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। मैं एकदम फर्स्ट क्लास हूँ। मेरा नाम स्टार है दोस्तों। आज मैं आपको अपनी एक लाइफ स्टोरी शेयर करने वाला हूँ, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने सिर्फ कुछ ही टाइम में बहुत सारी अर्निंग किया। आप में से बहुत सारे लोग जानते भी कि कैसे कैसे मैंने पैसा कमाया है, लेकिन बहुत सारे लोग वो चीज नहीं जानते कि कैसे मैं इस चीज में घुसा, जबकि उस टाइम पे यूट्यूब चैनल बढ़िया चल रहा था। आप लोग का भी ये सवाल था कि भाई, अगर यूट्यूब अच्छा चल रहा था तो आप इस चीज में क्यों घुसे, और यहाँ पे घुसने के बाद आपने मतलब लाइक एक टाइम पे इतना तहलका मचा कि आपने इतनी सारी अर्निंग की, जिसका मैं आपको इस वीडियो में प्रूफ भी दिखाने वाला हूँ कि कैसे कैसे मैंने किया, क्या मेरी स्ट्रेटेजी रही थी काम करने की, जो कि इस वीडियो में सब कुछ लाइव रहने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और नए हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें अभी अभी, और बेल आइकन प्रेस कर लें, और वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। आपका एक लाइक बहुत ज्यादा मोटिवेट करेगा ऐसी वीडियोस लाने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि लाइक आपको पता ही है, मैं स्टार ज्ञान नाम चैनल एक चला रहा हूं जिसपे तकरीबन 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं। वो चैनल मैं पिछले 2 साल से रन कर रहा हूं। अब वो चैनल रन हो रहा था, बहुत बढ़िया चल रहा था, बिल्कुल बढ़िया, रेवेन्यू भी ठीक ठाक हो रहा था। अब मैं फुली डिपेंड था उस चैनल के ऊपर कि अगर उस चैनल को कल को कुछ हो जाए तो मैं सड़क पर आ सकता हूं। तो हुआ क्या, बेसिकली ऐसा ही कुछ हुआ, लॉकडाउन का समय आ गया, 2020 की बात है जब लॉकडाउन लगा। अब लॉकडाउन लगने के बाद हुआ क्या, यहां पर एक महीने तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक महीने बाद सबकी अर्निंग है जो डाउन होना स्टार्ट हो गई। अब अर्निंग डाउन होने का कारण था कि जो एडवर्टाइजर्स थे यूट्यूब पे एड रन करते हैं, उन्होंने अपनी एड एकदम से डाउन कर दी, बंद कर दी, क्योंकि उनके लॉकडाउन के समय कोई प्रोडक्ट बिकने, कोई सेल वगैरह नहीं हो रही थी, क्योंकि लोगों के पास भी पैसा नहीं था, घर पे बैठे हुए थे वो। अब ऐसे में YouTube चैनल्स की अर्निंग भी डाउन हो गई। तकरीबन मेरे YouTube चैनल की जो अर्निंग है वो 70% डाउन हो गई थी। अब वहां से मेरे को चीज समझ में आ गई कि अगर आप ऑनलाइन काम करो तो आपके पास मल्टीपल इनकम के सोर्स होने चाहिए। अगर कल को आपके एक सोर्स के कुछ हो गया तो आप कहीं के भी नहीं रहने वाले, इसलिए अलग अलग इनकम सोर्स आपको बनाने चाहिए। वहां से मेरे को बात समझ में आई। अब मैं लाइक ढूंढ ही रहा था कि क्या करूं मैं जिससे कि और अर्निंग हो सके, क्योंकि यूट्यूब से तो कुछ हो नहीं रहा था उस टाइम पे, चाहे आप कितनी मेहनत कर लो, क्योंकि एड आ ही नहीं रही थी अच्छी वाली। तो अब वहां से मैं सोचता हूं कि मैं ब्लॉगिंग की तरफ जाता हूं। हालांकि मैंने ब्लॉगिंग पे ट्राई करने की कोशिश की, समझने की कोशिश की ब्लॉगिंग को, लेकिन मेरे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने छोड़ दिया, स्किप कर दिया ब्लॉगिंग को, कि चलो और कुछ देखते हैं। अब और कुछ पता नहीं था कि ब्लॉगिंग के अलावा और क्या किया जाए यहां पर। तो ऐसे ही रिसर्च करते करते मेरे को कुछ भी हाथ नहीं लगा, सीरियसली बता रहा हूं, मेरे को कुछ हाथ नहीं लगा। मैं बिल्कुल ऐसे सैड सा नर्वस होकर बैठ गया कि यार अब आखिर क्या, आगे क्या करूं कि जिससे अर्निंग हो सके, क्योंकि यूट्यूब से तो कुछ हो नहीं रहा। तो वहां पे आपको पता है कि आपके फ्रेंड सर्कल में आपके भी फ्रेंड होंगे अच्छे अच्छे ऐसे मेरे भी 2-4 फ्रेंड हैं ऑनलाइन में, जो काफी बढ़िया हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। तो वहां से मेरे को एक दोस्त मिला मेरा, सन्नी नाम का। तो वो उस टाइम पे एप्लीकेशन के थ्रू काफी अर्निंग कर रहा था, काफी अच्छी। अब उसने बताया कि स्टार भाई अपना एप्लीकेशन में आ जाओ, यहाँ पे बहुत अच्छी अर्निंग होती है। तो मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि भाई फेंक रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं YouTube पे इतनी मेहनत कर रहा हूँ फिर जाके अर्निंग हो रही है, और यहाँ पे एप्लीकेशन पे थोड़ा बहुत काम करके अच्छी अर्निंग हो जाती होगी। तो फिर मैंने उसकी बात सुनी, और उसी ने डेवलपर से भी कॉन्टैक्ट किया था। अब आपको पता है कि बहुत सारे लोग करते क्या कि सोचते हैं कि मैं कमा रहा हूँ तो मैं किसी को क्यों बताऊँ, लेकिन जो मेरा दोस्त है सनी, वो बिल्कुल मेरी तरह है, वो भी सोचता है कि मैं कमा रहा हूँ तो और भी कमाएं। बेसिकली सबको कमाने का वो तरीका बताता रहता है, और मैं भी लाइक इसीलिए मैंने ये चैनल भी ओपन किया कि मैं भी सबको बता पाऊँ जो मैं कर रहा हूँ, ताकि आप लोग भी अपनी लाइफ में अर्निंग कर पाओ, ग्रो कर पाओ। अब वहां से उसी ने डेवलपर का नंबर भी दिया था, और वहीं से डेवलपर से कॉन्टैक्ट हुआ था। ये आपका सवाल भी था कि भाई आपको डेवलपर कैसे मिला था, तो डेवलपर मेरे दोस्त ने ही मेरे को बताया था कि मैं जिस डेवलपर से एप्लीकेशन बनवाता हूँ आप भी उसी से बनवा लो, काम चल जाएगा। तो अब वहां से एप्लीकेशन बनवाई, और देन हमने पब्लिश करना स्टार्ट किया एप्लीकेशनों को, और एप्लीकेशन जो है हमने फेसबुक के थ्रू मोनेटाइज की थी। अब फेसबुक के थ्रू मोनेटाइज क्यों की थी, आपको पता है गूगल का भी एडमोब है जहां से आप एप्लीकेशन मोनेटाइज कर सकते हो। आपको नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूं, एडमोब के थ्रू आप एप्लीकेशन मोनेटाइज करके एडसेंस के थ्रू रेवेन्यू कर सकते हो। एडसेंस में आपका रेवेन्यू आएगा, जैसे कि आपका यूट्यूब का ब्लॉग का आता है इसी तरीके से। अब हम एडमोब की तरफ क्यों नहीं गए, क्योंकि एडमोब में रूल्स काफी स्ट्रिक्ट हो गए हैं, लाइक एड लिमिट लगना और भी बहुत सारे रूल्स हैं, डिडक्ट करके आपके एप्लीकेशन अकाउंट को सस्पेंड कर देता है, इसलिए हम एडमोब की तरफ नहीं गए। ट्राई किया था हमने, लेकिन वहां पे ऐसा ही हुआ कि अकाउंट वगैरह सस्पेंड हो गए थे। तो फिर अल्टरनेटिव ढूंढा, तो फेसबुक का पता चला कि फेसबुक से अर्निंग होती है, और बेसिकली मेरा दोस्त था और हमने मिलकर स्टार्ट किया फेसबुक पे अर्निंग करना एप्लीकेशन पब्लिश करके।
अब वहां पे भी स्ट्रेटजी होती थी, वहां पे एड वगैरह एप्लीकेशन में डालते थे, जैसे आपके लाइक यूट्यूब पे ऐड आते हैं मोनेटाइज होने के बाद, ब्लॉग पे आते हैं, उसी तरीके से एप्लीकेशन के अंदर भी ऐड आती थी और उस एड से ही रेवेन्यू होता था। अब वहां पे ठीक चल रहा था, हम स्टार्टिंग में एप्लीकेशन डालते थे किसी भी चीज की गाइड, किसी कंपनी की, या लाइक आप लोगों मैं बताऊं फाइनेंस की लाइक गाइड एप्लीकेशन, इस टाइप की एप्लीकेशन हम पब्लिश करते थे। अब ये पब्लिश करते करते मतलब हमें पता चलता है कि आईपीएल आने वाला है 2020 के अंदर। अब आईपीएल आने वाला है तो हमने सोचा चलो यार अब की बार ना आईपीएल ट्राई करते हैं, साइज देखते हैं, अर्निंग हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को सुना था कि आईपीएल में लोग बहुत ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो हमने भी लाइक ऐसे ही ट्राई करने की कोशिश की, चलो हम एप्लीकेशन इवेंट करेंगे आईपीएल इवेंट। आपने सुना, आज तक सुना होगा कि आईपीएल ब्लॉगिंग इवेंट होता है और जो ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, इसके ऊपर भी एक वीडियो मैं डेडिकेटेड बनाने वाला हूं कि आईपीएल इवेंट क्यों खत्म हो गया। अब उसकी बात नहीं कर रहे हम, बात कर रहे हैं कि आईपीएल एप्लीकेशन इवेंट जिसके अंदर हमने स्टार्ट किया, एप्लीकेशन बनाई, डेवलपर से बनवाई थी और वहां पे अपना काम स्टार्ट किया और देन पब्लिश करके एड रन करते थे हम गूगल एड्स के थ्रू और वहां से ट्रैफिक लेके आते थे और एड फेसबुक के एड्स के थ्रू अर्निंग होती थी। अब ऐसे ही एकदम बढ़िया चल रहा था सब कुछ और लगभग मैंने उस आईपीएल में 2020 में कुछ $5,000 मैंने अर्न किए थे थोड़ा बहुत काम करके। अब ऐसे ही सब चल रहा था, फिर वो काम भी बंद हो गया क्योंकि आईपीएल वो चल रहा था। अब ऐसे चलते चलते 2021 आ जाता है और 2021 में फिर से अप्रैल के अंदर पता चलता है कि आईपीएल स्टार्ट हो रहा है, तो हम पूरी तैयारी के साथ कि पिछले साल 5,000 कमाए थे, अब की बार कोशिश करते हैं $10,000 आराम से हम अर्न कर लेंगे आईपीएल इवेंट के अंदर। अब ऐसे ही सब चल रहा था और मैंने सीरियसली बता रहा हूँ, मैंने यही सोचा था कि $10,000 इनफ अमाउंट हो जाएगी मेरे लिए एक मंथ में कि मैं $10,000 कमा लिए। अब ऐसे ही सब चलते चलते आईपीएल आ गया और हमने एप्लीकेशन पब्लिश की, देन गूगल एड्स पे एड रन करना स्टार्ट किया। अब बहुत से लोग बोलेंगे भाई गूगल एड्स पे एड रन करके अर्निंग कैसे होती थी, अब इसका मैं बताता हूँ आप लोगों को। बेसिकली जो एप्लीकेशन बनवाते थे उसमें फेसबुक की एड आती थी, अलग अलग टाइप की प्लेसमेंट कर रखी थी, जैसे कि इंडस्ट्रियल एड, बैनर एड और भी बहुत सारी एड होती हैं फेसबुक में, वो एड आप अर्न जो है उसके अंदर लगा के वहां से अर्निंग कर सकते हो। अब ऐसी एड लगा रखी थी, हम करते क्या थे बेसिकली जो एप्लीकेशन हमने बनवाया उस एप्लीकेशन के हम गूगल पे एड रन करते थे, गूगल पे एड रन करते थे, वहां से डाउनलोड आते थे, लोग डाउनलोड करते थे, उसके अंदर कंटेंट होता था जो भी वहां पे उसमें रहते थे, एड वगैरह पे क्लिक करते थे, तो वहां से मेरी अर्निंग जो होती थी गूगल एड से एड चला के फेसबुक की एड से हम अर्निंग करते थे। तो ये बेसिकली एक तरीके की स्ट्रेटजी रहती थी कि गूगल से एड चलानी है, ट्रैफिक लेके आना और फेसबुक के एड से अर्निंग करनी है। अब ये सब कुछ चल रहा था और आईपीएल में अगर मैं आपको बताऊं तो मैंने सिर्फ 20 दिन, जी हाँ सिर्फ 20 दिन काम किया। उसका रीजन भी है क्योंकि आईपीएल स्टार्ट ही 8-9 तारीख को हुआ था, तो वो दिन खराब हो गए और फिर 20 ही दिन हम काम कर पाए और उसके बाद आईपीएल भी सस्पेंड हो गया। अब वो जो 20 दिन मैंने काम किया, लाइक आपको सुन के आपके दिमाग की खिड़कियां खुलने वाली कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल ही नहीं है, आप मुझे पता है यकीन नहीं करोगे, लेकिन यहां पे मैं बताऊं तो मैंने सिर्फ 20 दिन के अंदर $34,000 की रेवेन्यू जो जनरेट किया था फेसबुक के थ्रू। अब आप बोलोगे भाई फेसबुक के थ्रू कैसे, यकीन नहीं हो रहा ना, तो मैं आपको यहां पर अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ, वहां पे मैं आपको जो है लाइव दिखाऊंगा यहाँ पर कि कैसे कैसे मैंने जो है सिर्फ 20 दिन के अंदर $34,000 अर्न किया था। तो यहाँ पर मैं आपको अपनी लैपटॉप स्क्रीन पे लेके चलता हूँ और वहां पे मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे ये देख लीजिए मैं अपनी मोबाइल लैपटॉप स्क्रीन पे आ चुका हूँ और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं ये अर्निंग आपको शो हो रही होगी $34,000+ की अर्निंग है। अब मैं इसको एक बार पेज को रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप लोगों को यकीन हो, क्योंकि बहुत सारे लोग यकीन नहीं करेंगे, तो एक बार पेज रिफ्रेश कर देता हूँ और यहाँ पे ये देखिए दोस्तों ये रेवेन्यू आप देख सकते हैं $34,000 का, कुछ ये बेसिकली प्रूफ है जहां पे मैंने रेवेन्यू जनरेट किया $34,000 का। दोस्तों अब आपने प्रूफ तो देख ही लिया कि मैंने किस तरीके से सिर्फ 20 दिन काम करके $34,000 अर्न किए हैं। अब आप कैसे ये सब कर सकते हो, आप डेवलपर कहां से हायर कर सकते हो, फेसबुक के थ्रू मोनेटाइज करने का तरीका क्या है, जिस प्लेटफॉर्म से आप मोनेटाइज करो उसका नाम अगर मैं बताऊं तो उसका नाम है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। जी हाँ, जैसे गूगल का एडमोब है, एडसेंस है, वैसे इन सबका अल्टरनेटिव है फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क जो इस टाइम पे काफी बूम पे चल रहा है, बहुत सारे लोग इसका यूज कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है। जिसको नहीं पता वो इस वीडियो को लाइक जरूर करें ताकि मेरे को पता चले कितने बंदों को यहाँ पे नहीं पता फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क के बारे में। और मैं आने वाली वीडियोज में आपको बताऊंगा कि जो हम आईपीएल इवेंट करते थे उसके अंदर कॉन्टेंट क्या होता था, बेसिकली किस टाइप का कॉन्टेंट डालते थे और आप लोग कैसे गूगल पे एड रन कर सकते हो, फेसबुक से कैसे मोनेटाइज कर सकते हो, आप डेवलपर कहां से ऐड कर सकते हो या खुद एप्लीकेशन कैसे बनवा सकते हो
बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली आने वाली वीडियोस में इन फ्यूचर। तो श्योर आप लोग सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि इन फ्यूचर आप मिस ना कर पाओ कोई भी वीडियो, क्योंकि अगर आप लोग इस चैनल को फॉलो करते हो, बेसिकली मेरे को फॉलो करते हो, तो आप लोग, मैं यकीन दिलाता हूं, इस आईपीएल में जो अभी आईपीएल स्टार्ट हुआ, आपको पता है कि आईपीएल सस्पेंड हो चुका है बीच में, तो आईपीएल फिर से स्टार्ट हो रहा है सितंबर के अंदर, और आप सितंबर में फिर से, सितंबर आने से पहले आप लोग प्रिपेयर हो चुके होंगे पूरा इस चैनल को देखते हुए कि आप लाइक एप्लीकेशन बनाने से पब्लिश करने तक, गूगल से मोनेटाइज, फेसबुक से मोनेटाइज करने, गूगल पे एड रन कर, सब कुछ आप सीख चुके होंगे। आप भी शायद, मैंने $34,000 कमाए हैं, आप इसको बढ़ा सकते हो 40,000, 50,000, 60,000, 1,00,000, कितने भी आप डॉलर छाप सकते हो अगर आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगाओगे और मेरी बातों को फॉलो करोगे। जो मैं स्ट्रेटजी अपनाता हूं, सब कुछ आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप भी जो है घर बैठे ही फेसबुक के थ्रू अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हो। और फेसबुक के दोस्तों सिर्फ आप एप्लीकेशन ही नहीं मोनेटाइज कर सकते, आप बहुत सारी चीजें मोनेटाइज कर सकते हो। अगर आप जानना चाहते हो तो कमेंट करें कि फेसबुक के थ्रू और क्या क्या मोनेटाइज हो सकता है, तो मैं वीडियो लेके आऊंगा जहां पे मैं आपको बताऊंगा फेसबुक से सिर्फ एप्लीकेशन ही नहीं, बहुत सारी चीजें आप मोनेटाइज करके अर्निंग कर सकते हो। क्योंकि फेसबुक आज के टाइम पे गूगल को बहुत कड़ी टक्कर दे रहा है रेवेन्यू वगैरह के चीज में। आपको पता है कि वीडियोस भी फेसबुक के चलते, जब आप वीडियोस चलाते हैं तो वीडियोस के ऊपर भी एड वगैरह आती है, तो वहां पे भी आपको पता है कि लोग अर्निंग करते हैं उस चीज से। तो इस वीडियो में इतना ही था, आप इंतजार कीजिएगा नेक्स्ट संडे का, जहां पे मैं आपको बताऊंगा कि एप्लीकेशन में किस टाइप का हम कॉन्टेंट डालते थे और क्यों यूजर्स उस एप्लीकेशन को आके डाउनलोड करते थे। ये चीज जानने के लिए नेक्स्ट संडे का वेट करें। तब तक इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल को सिलेक्ट कीजिएगा ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए। आई होप फिनांस किसी ने इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे विद स्टार यान ब्लॉगर।